अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के अजी हमें क्या चिंता हो सकती है जब आप हैं, बल्कि कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि आप ही गायत्री की सगी माँ हैं। अब वो आपके जितने करीब हैं और आप उसके, हम भी उतने करीब नहीं हैं। बस जी, भगवान इतनी शक्ति देता रहे कि पिंकी और गायत्री में कोई फर्क ना देखो। गायत्री बेटी है, बेटी ही बनी रहे। आज तक ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा ही होगा। रोहित कैसा है? अच्छा है। हाँ जी, जरूर जरूर। तुम जा रही हो कहाँ? अपने घर। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ही गलत था। क्यों? अगर ये घर मेरा नहीं है तो मेरा घर और कौन सा है? तुम जा रही हो। पता नहीं, गायत्री मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। मत जाओ। तुम्हारा बहुत मन है। हाँ गायत्री, तुम जा रही हो। भाभी, आपकी मम्मी का फोन आया है। जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ गायत्री के साथ।
और फिर गायत्री के साथ ही क्यों? रोहित के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत गहरी तकलीफ हुई है इस बात से। देखो जी, जो हुआ है और जो होना है वो होकर ही रहेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हमारे बस में है ही क्या? सीमा, जो गायत्री के साथ हुआ है वो किसी और वजह से हुआ होता तो मैं समझ सकता था, क्योंकि ऐसा होता रहता है आमतौर पे। मेरा मतलब ये नहीं है कि तब तकलीफ नहीं होती, तब भी तकलीफ होती है, लेकिन गायत्री के साथ ये किसी सदमे के कारण हुआ है। और ऐसा कौन सा हो सकता है? वो अपने घरेलू जीवन में सुखी है, और रोहित भी ऐसा लड़का नहीं है कि उसे कोई तकलीफ देगा। फिर क्या बात हो सकती है? बस आप कुछ भी सोचते रहिए, हो गई होगी कुछ बात। नहीं सीमा, मैं इस बात का ताल्लुक शिवानी से भी जोड़ रहा हूं। क्या मतलब? मतलब सीमा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं अविनाश कुछ परेशान सा नजर आ रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जिक्र किया था कि अविनाश जैसे दिखा रहा है वैसा वो दिख नहीं रहा। जरूर अविनाश और शिवानी में कुछ हुआ है। पर आज तो छुट्टी है अविनाश, और तुम्ही ने कहा था ना कि छुट्टी के दिन हम भैया और भाभी के पास चलेंगे। कहा था शिवानी, लेकिन आज मैं एक इमरजेंसी फोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी वक्त आ सकता है और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। शिवानी देखो, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम होकर आ सकती हो, सैमसन को साथ ले जाओ। नहीं, ठीक है। देखो शिवानी, इस तरह तो मुझे गिल्टी महसूस करवा रही है, प्लीज तुम जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगी और दो एक दिन में खुद उनसे मिलकर आऊंगी। चाय पियोगे? हम लोग शिवानी के यहाँ चलते हैं। आप पहले फोन करके पूछ लीजिए कि वो लोग घर पे हैं कि नहीं। सीमा, संडे है और अविनाश हमें घर पे ही मिलेगा। आप फोन तो कर लीजिए। तो तुम तैयार तो हो जाओ, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। चलिए। हाँ। देख गायत्री, अगर तुझे जाना नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तेरा मन नहीं है तो मत जा। लेकिन मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रही थी कि तेरे घर वालों का भी मन होता होगा ना, तेरी ऐसी हालत में तेरे साथ रहे, तुझसे बात करे, आखिर वो भी तो माँ बाप है ना, लड़की वाले हैं, बेचारे मर्यादा में कुछ बोल नहीं पाते होंगे। मेरा तो ये है कि सिर्फ इसी वजह से तुझ आए। कल ऑफिस से मेरे बॉस का फोन आया था ना, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं वाकई में रिजाइन करना चाहती हूँ कि नहीं। मैं रिजाइन करना चाहती हूँ अविनाश। बोलो। क्या बोलूं, तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहती हो तुम कर सकती हो। अगर तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो तो योर विश। शिवानी, डजंट अफेक्ट मी एट ऑल। मैं कल ही ऑफिस जाकर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके रिजाइन कर दूंगी। देना, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा वहां पर। फिर क्यों जबरदस्ती कर रही हो मुझ पर? देखो, तुम उसके साथ रहोगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मां, मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस क्योंकि मैं वहां जाऊंगा।
तो वहां पर जीजू होंगे और जीजू के सामने नहीं जाना चाहता मैं मां। ये तो पागल हो गया है विनीता, मत कर इससे जबरदस्ती। अरे मैं दीदी से यहां मिल लूंगा हमारे घर में। ठीक है, तेरे मन में जो है वो तू कर, मगर एक बात याद रख, अगर तुमने रोहित से कोई बदतमीजी की तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? सैमसन, ओ सैमसन, सैमसन, क्या है? कुछ नहीं। बोलो जीजू। सैमसन जरा सा तेल ला दे और मेरे सर की मालिश कर दे प्लीज। ओके जीजू। मैं कर दूं? नहीं वो कर दे। क्या रहा सैमसन? नमस्ते भैया। नमस्ते मामी। नहीं आया। क्या रहा सर भाई? हैं? तुम लोग फोन करते हो ना घर पे आते हो, कैसे हो यार? मैंने कहा कि मैं ही चल के तुमको सरप्राइज दे देता हूँ, इसलिए तो हम फोन नहीं करते ताकि आप खुद दोनों यहाँ चले आए। अच्छा जी, पहले तो तुम थे जिसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, अब तुम्हारी संगत है ये भी ऐसे हो गई है। रियली, ना फोन ना मिलना कुछ नहीं। आप लोग बैठो तो सही, बैठ कर भी तो शिकायत की जा सकती है ना। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि बियर है? बियर होनी तो चाहिए शिवानी, घर है लेकिन ठंडी नहीं। ठंडी मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। चलो अब मैं रहा था। तुम बैठना यार, तुम आवाज बात बैठो। मैं चलता हूँ माँ। जा रहा है तू? हाँ। सुन, आज नाश्ता बाहर कर लेगा, मैं खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। आज गायत्री के घर वाले आ रहे हैं ना? कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, तुम कर लेना अपना काम। सुनो, अब जा रहे हैं। हाँ। पर आज तो आपकी छुट्टी थी ना? हाँ गायत्री, लेकिन मैं सोच रहा था ऑफिस जाकर कुछ काम कर लूं। कब तक वापस आओगे? कुछ पता नहीं गायत्री, क्यों? मैं जा रही हूं। गायत्री मैं कोशिश करूंगा अगर जल्दी आ पाए तो। क्या बात है शिवानी? हाँ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, क्यों भैया? नहीं बस ऐसे ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं आपसे छुपाऊंगी, मेरा आपके सिवा है ही कौन? जो कुछ भी जब भी होगा मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी ना? तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अपने भैया से कुछ छुपाना नहीं। कभी नहीं। अगर आशीष भी आ जाता साथ में तो वो तो ट्यूशन पे गया। अरे उसका कोई भरोसा ही नहीं होता। माँ, उसने एक बार भी मुझसे फोन पर बात नहीं की जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। अरे तो अब तू चलकर उससे मिल ही लेना ना और खूब पीटना। माँ मैं चलूँ? अरे हम लोग तुझे लेने आए हैं, वहाँ तुम्हारे पापा भी इंतजार करते होंगे। पिंकी तू भी चलना। मैं नहीं भाभी। तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। क्या भाभी? दो दिनों में वापस आ जाएंगे ना? चलो ना पिंकी, चलो। हाँ, तू चली चल हमारे साथ, हम तेरी शादी करा के ही वापस भेजेंगे। तब तो इसे ले ही जाइए, मेरे सर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये बात आप हम पर छोड़ दीजिए, हम अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे। अब मैं ये करने के लिए तो वहां नहीं जा रही हूँ ना।
अच्छा ठीक है, ऐसा होगा तो कुछ आपत्ति तो नहीं है ना? जाओ, मैं नहीं जाती। अरे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चल चलिए चल। नहीं, वो जो पड़ा था वहां पे। अच्छा। तेल, तेल किस लिए सैमसन? इन्हें सर पे तेल की मालिश करवानी है। क्यों? ये कहते हैं इनके बाल गिरते हैं। अच्छा लाओ मुझे दो, मैं करती हूं। ओके, बाद में बात करते हैं। खबरदार, खबरदार जो अपनी उंगलियों से इसके बालों को छुआ भी तो। क्यों? क्यों? मेरे सारे बाल चले गए, मुझे तो एक बूंद तेल लगा के अभी मालिश नहीं की। इसको बड़े प्यार से करिए, आओ मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दूं। हैं? कदा अपना हाथ भी बढ़ाया तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? आपने कभी मेरी तरफ इतने प्यार से देखा है या फिर इतने प्यार से बात की है जैसे अविनाश करता है? भाभी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कभी मजाक में भी ऐसी बात मत करना, कहीं अविनाश को गलतफहमी होगी तो मैं तुम्हारा जाऊंगा ना। लेकिन मैं तो मजाक कर ही नहीं रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम मरवाओगी मुझे? रिलैक्स भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो। पहले मुझे चिंता नहीं होती थी, जिस तरह उम्र बढ़ती जा रही ना, चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो बच्ची थी ना आपसे 10 साल छोटी। क्या हो गया तुझे सीमा, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है? ओए सैमसन, सैमसन, सैम। जी भैया। देख भैया ठंडी होगी वही पी लेता हूँ, ये तो पागल होगी लगता है। 10 साल छोटी थी, दिमाग खराब हो गया तेरा, मजाक कर रही है। तुम्हारे कपड़े, रुमाल, जुराब, टॉवल सब अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। ठीक है गायत्री, गायत्री गायत्री एक काम करो, 4 दिन की छुट्टी निकालो, यहां से कहीं दूर चलते हैं, बॉम्बे शहर से दूर, यहां के लोगों से दूर, पहाड़ों पे, खुली हवा में, है ना? गुड आइडिया। और 4 दिन के बाद वापस आएंगे और क्या? तो फिर पहाड़ पे जाने का क्या फायदा? तुमने आज तक मेरी किसी बात को सहमति दी है? आपने आज तक कोई ऐसी बात की है जिसका मैं साथ दे सकूं? तो ठीक है, तुम यहीं रह लो, हम लोग चले जाएंगे।
लेकिन आप दोनों वहां जाके करोगे क्या? दोनों मतलब? हाँ, आप और शिवानी। और अविनाश? ओ, अविनाश तो मेरे साथ रहेगा। क्यों अविनाश? तुम तो आज मेरा सत्यानाश करने पे तुली हुई हो। अरे शिवानी, अपने पति को संभाल लेना। भैया, मैंने आपसे क्या कहा था? आप बिल्कुल चिंता मत करो। अविनाश, तुम आजकल के जमाने को नहीं जानते हैं। दिलासा देने वाले भी दिल की आज को तोड़ के चले जाते हैं। भैया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, भरोसा करो मुझ पर यार। ठीक है, तुम कहते हो कर लेता हूँ, लेकिन अगर बीवी का सवाल होता ना। बस तो बस, अब आप चुप रहिए। ठीक है, चुप हो जाता हूँ। कुछ खाने को लिया, शानी जा कुछ खाने को है। लाती लाती। हाँ, जल्दी लाना है। और अविनाश बाबू, क्या हो रहा है? सब ठीक। गुड। पर्सनल लाइफ, होम फ्रंट? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। गुड, गॉड ब्लेस यू। चीयर्स। तो ऐसे जा रही है जैसे वापस ही नहीं आएगी, वहीं रहेगी। शादी के बाद गायत्री पहली बार हमारे घर रहने आ रही है। अरे हाँ, सच। मेरा मतलब, शादी के बाद आप पहली बार वहां रहने जा रही हैं। माँ जी, मैंने इनके कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए। तू रोहित की चिंता मत कर, उससे ज्यादा मैं उसका ख्याल रखूंगी। जा, जब तेरा मन न लगे, यहां आने का मन करे तो आ जाना। चलते रहते कि चलना है मुसाफिर काशी, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर